गाइज़ वेलकम टू माई चैनल सो गाइज आज हमारा एच टी एम एल सीरीज़ का ट्वेंटी नाइन्थ वीडियो है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेबल टैग के बारे में कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन एस टी एम एल की एच टी एम एल के अंदर हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए टेबल के अंदर टेबल टैग इफ़ वी वॉन्ट टू क्रिएट अ टेबल इन एस टी एम एल देन वी विल नीड टेबल टैग हमें किस की ज़रूरत होगी एक टेबल टैग की दिस टैग टेबल ओपनिंग एंड टेबल क्लोजिंग रिप्रजेंटेड इन एच टी एम एल टेबल हमने क्या करना है अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल टैग को ओपन करना होगा आफ्टर द टेबल टैग क्लोज करना होगा इन बिटवीन आपका बनेगा एक एच टी एम एल टेबल ठीक है इस टाइप से कुछ टेबल होता है ठीक है जिसमें कि हॉरिजॉन्टली आपकी रोज होती हैं और वर्टिकली आपकी कॉलम्स होती हैं ठीक है ठीके। यहाँ पर लिखा हुआ है रोज़ रो अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल उसे बोलते हैं हम रो और कॉलम होती हैं कॉलम अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल ठीक है वाई एक्सिस में होंगी या वर्टिकल अलाइन में होंगी उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट रो इन एच टी एम एल कि एच टी एम एल के अंदर हम रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो रो क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे है रो होती है एक्स एक्सिस ये मैंने पहले बता दिया आपको और इस टाइप से आपको रोज मिलेंगी बॉक्सेस होंगे कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस टाइप सेवन बॉक्सेस हैं यानी कि सेवन ये कॉलम है इसके अंदर ठीक है रोज़ कितनी भी हो सकती हैं हॉरिजॉन्टली अभी तो ये वन रो है टू थ्री फोर टू मच ठीक है जैसे कि हमने ऊपर टेबल देखा था यहाँ पर अगर काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रोज हैं और कॉलम कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन ही हमारे पास क्या हैं कॉलम हैं ठीक है, है तो इन एच टी एम एल वी से इट टेबल रो एच टी एम एल के अंदर हमसे क्या कहते हैं टेबल रो टी फ्रॉम टेबल टेबल का टी एंड आर का रो दोनों कंबाइन करेंगे बन जाएगा कंबाइन करेंगे टी आर टी आर रिप्रेजेंट टेबल रो टी आर यूज फॉर टेबल रो इट इज़ अ पेयर टैग टी आर ओपनिंग और टी आर क्लोजिंग ठीक है रो से ही उनके नाम से ही उनका टैग बन रहा है टी स्टैंड फॉर टेबल आर स्टैंड फॉर रो दोनों कंबाइन करेंगे बन जाएगा टी आर तो टी आर क्या है टी आर इज यूज फॉर टेबल रो ओके okay. इस टाइप से सिंटैक्स कुछ क्रिएट हो जाएगा सिंटैक्स टेबल टैग ओपनिंग आफ्टर द टेबल टैग क्लोजिंग जो भी आपका टेबल बनेगा वो बॉडी सेक्शन के अंदर बनेगा टेबल टैग के अंदर हमारे पास होएगी फर्स्ट होती है रो ठीक है टेबल जब बनता है फर्स्ट क्या बनती है उसकी रो बनती है तो टी आर रिप्रेजेंट फॉर टेबल रो ठीक है नेक्स्ट इन टेबल वन पार्ट इज टेबल हेड जो टेबल का वन पार्ट होता है वो होता है टेबल का हेड टेबल हैड रिप्रजेंटेड बाई टी एच टी टी फ्रॉम टेबल एच फ्रॉम हैड तो कंबाइन करके बनेगा टी एच ठीक है इट इज इट इज अ पेयर टैग टी एच ओपनिंग और टी एच क्लोजिंग टेबल हैड ऑलवेज इनसाइड द टेबल रो जो टेबल हैड होगा वो टेबल रो के अंदर ही होगा ठीक है सेंटेक्स देखते हैं इसका इस टाइप से होगा टेबल ओपनिंग टेबल क्लोजिंग इन बिटवीन टी आर टेबल रो टेबल रो के अंदर ही आपका फर्स्ट होता है टेबल का हैड ठीक है प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है नेक्स्ट है इन टेबल सेकेंड पार्ट इज टेबल डाटा टेबल का डाटा होता है जैसे कि फर्स्ट आप अगर कोई बार आपने टेबल देखा होगा फर्स्ट होता है नेम सीरियल नेम नेम फादर नेम क्लास रोल नंबर इस टाइप से होती हेड होता है उसका उसके बाद नीचे नेम आया जाता है राहुल फादर नेम आयाता है पंकज इस टाइप से कुछ भी उसका डाटा हो सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है टेबल का हेड आफ्टर दैट टेबल का डाटा हो जाता है तो सेकेंड पार्ट लिखा है सेकेंड पार्ट इज़ अ टेबल डाटा टेबल डाटा रिप्रजेंट बाय टी डी टेबल डाटा को रिप्रजेंट करते हैं हम टी डी से टी फ्रॉम टेबल और डी फ्रॉम डाटा इट इज़ अ पेयर टैग ये एक पेयर टैग है टी डी टैग ओपनिंग टी टैग क्लोजिंग टेबल डाटा ऑलवेज इनसाइड अनदर टेबल रो जो टेबल डाटा होगा वो आपकी अनदर टेबल रो के अंदर ही बनेगा जितनी भी आपने टेबल के अंदर रो क्रिएट करेंगे उतनी ही बार टी आर आपका अप्लाई होगा ठीक है फर्स्ट होता है टी आर टेबल रो उसके अंदर होती है हमारा टेबल हेड फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट टेबल रो क्रिएट करेंगे डाटा के लिए तो टेबल रो इन आ जाएगा आपका टेबल डाटा सिंटेक्स देखते हैं इस टाइप से होगा टेबल ओपनिंग टेबल क्लोजिंग टी आर टेबल रो के अंदर आ गया आपका टेबल हैड ठीक है वह पर हेड क्लियर हो गया है उसके बाद नेक्स्ट टेबल रो हमारी बनी है जिसमें आएगा हमारा टेबल का डाटा ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ होते हैं टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं एट्रीब्यूट्स यूज इन एच सॉरी एच टी एम एल टेबल ठीक है HTML, sorry, HTML table, कि हमारे पास टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट यूज होते हैं बॉर्डर फर्स्ट होता है बॉर्डर आपने होगा टेबल के अराउंड एक बॉर्डर आता है उसे बोलते हैं हम टेबल का बॉर्डर मैं कुछ दिखाता हूँ ये देखिए ये बॉर्डर आ रहा है इसके अराउंड तो इसको हम बोलते हैं टेबल का बॉर्डर ओके नेक्स्ट है अलाइनमेंट अलाइनमेंट आपको पता है पढ़ा चुका हूँ पहले भी अलाइनमेंट होती है आपकी फोर टाइप की लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई बट यहाँ यूज़ होंगी हमारी लेफ्ट लेफ्ट में आपको टेबल को एडजस्ट करना है राइट right में एडजस्ट करना है या आपने टेबल को सेंटर में रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को अलाइन कर सकते हैं नेक्स्ट होते हैं विर्थ टेबल की विर्थ आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं हाई पिक्सल्स में कीजिए या परसेंटेज में कीजिए हाइट पिक्सल्स में या परसेंटेज में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं परसेंटेज और पिक्सल में डिफरेंस बताऊंगा नेक्स्ट है टेबल बैकग्राउंड कलर आप टेबल के बैकग्राउंड में भी कलर दे सकते हैं उसके लिए आपका एट्रीब्यूट क्यों होता है बीजी कलर बैकग्राउंड कलर होता है बीजी बीजी रिप्रेजेंट फॉर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में एनी कलर पिंक रेड ब्लू येलो वट ठीक है और इसमें कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं हमारे वो होते हैं सेल बैकग्राउंड कलर किसी भी सेल का बैकग्राउंड चेंज करना हो पूरे टेबल का नहीं एक सिर्फ सेल का जैसे कि टेबल का हेड है आपने टेबल के हेड का कलर चेंज करना हो तो आप सेल बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं वहाँ पर आपके एट्रीब्यूट लगेगा बीजी कलर सेम ठीक है सेल पैडिंग एक दूसरे सेल में आपने पैडिंग देनी हो एक सेल के अंदर अपने पैडिंग देनी हो वहाँ पर आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सेल पैडिंग पिक्सल में दीजिए उसको सेल स्पेसिंग अगर एक दूसरे सेल के बीच में स्पेसिंग देनी हो तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का कॉल स्पैन कॉल स्पैनिंग होती है एक दूसरे कॉलम को मिक्स करना मर्ज करना इट इज़ यूज फॉर मर्ज मल्टीपल कॉलम कॉल स्पैन कॉल स्पैन यूज़ होता है एक या दो या तीन कॉलम को मर्ज करने के लिए ठीक है और रोज़ स्पैन होता है इट इज़ यूज फॉर मर्ज मल्टीपल रोज़ मल्टीपल रोज़ को मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं रोज पेन तो ठीक है आज का वीडियो इतना ही आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं इसकी ऑल एट्रीब्यूट्स और पूरा एस एक टेबल की कैसे हम एस टी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी अलाइनमेंट उसका बीजी कलर ठीक है उसकी हाइट वीट्स रोस पैन कोल्स पैन वो सब कुछ मैं अगले वीडियोज़ में आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा ठीक है गाइज तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय